डॉक्टर साहब, किस तरीके का आज यहाँ पर शिविर लगाया गया, किन किन संबंधी बीमारी संबंधी? देखिए, हृदय रोग संबंधित बीमारियों के लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। जो भी हमारे आसपास के मरीज हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है, तो हार्ट के रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कैंप को ऑर्गेनाइज किया गया। किस तरीके की हार्ट से रिलेटेड बीमारी है जिससे लोग परेशान रहते हैं, उमन अपने मर्जी से वो बोलते हैं कि गैस है, ये है, इस तरीके कैसी गंभीर बीमारियाँ आप लोगों में आ रही है हृदय संबंधी? देखिए, जैसे हार्ट अटैक एक बहुत कॉमन बीमारी आज के टाइम में हो गई है, और पहले जैसे ये माना जाता था कि भाई काफ़ी बुज़ुर्ग या एल्डरली लोगों में बीमारी कॉमनली होती है, लेकिन आजकल ये देखा गया है कि काफ़ी यंग लोगों में इसकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। जिसमें हम ये भी देख रहे थे कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह का क्या है, आजकल पेशेंट्स में से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, फिर डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं जिनको हार्ट के प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए भी ये कैंप खासा तौर पे रखा गया। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आपने कहा कम उम्र के भी लोग मतलब इससे ग्रसित हो रहे हैं जी, तो कम उम्र क्या मतलब 25-30 साल के ही लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं? जी जी, बिल्कुल। देखिए, पहले ये हम सोचते थे कि 50 साल या 60 साल की उम्र में जाके हार्ट की बीमारियां हुआ करती हैं, लेकिन आजकल ये देखा जाता है कि 25 साल 30 साल या 40 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक का जो प्रेवलेंस है वो बहुत बढ़ गया है। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं इस तरीके के हार्ट से रिलेटेड के, ये इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है? जैसे सीने में दर्द होना बाएं तरफ, खासा तौर पे बाएं तरफ दर्द होता है, लेकिन कुछ लोगों को बीच में भी सीने में दर्द होता है। कुछ मरीज ये कहते हैं कि हमारे पीठ में दर्द हो रहा है, या कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हमारे जबड़े में दर्द हो रहा है, और काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है इस दौरान, या फिर अचानक सांस फूलने की संभव की दिक्कत होने लगती है। बहुत सारे लोग ये भी मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं कि हमें सिर्फ गैस की शंका हो रही है, लेकिन देखा जाता है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। We'll be right back.
इससे रिलेटेड बहुत अक्सर ये सुनने में आया है कि अगर उनको हार्ट से संबंधी है तो उनकी सर्जरी होगी, तो लेकिन बाहर के शहरों में, बड़े शहरों में ये कहा गया है कि आप ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होगी, वो दूसरे किसी यंत्र के द्वारा किया जाएगा, वो क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, देखिए हार्ट अटैक किसी को हुआ तो फिर हम पहले एंजियोग्राफी करते हैं और हम ये डायग्नोसिस करते हैं कि हार्ट की कितनी नसें जो हैं वो ख़राब हुई हैं या नसें बंद पाई गई हैं, ब्लॉकेज हुआ है। बिल्कुल, तो पहले